विराट के बघेली समाचार में हम साक्षी अपना पंचिंग के स्वागत करी थे। खबर रीवा जिला के हनुमाना थाना क्षेत्र के आए, जहां पुलिस के द्वारा दुठे लड़कन का देसी कट्टा और खाली कारतूस के साथ पकड़ी। बतावा जात है कि पुलिस का मुखबिर से पता चला रहा कि दुई संदिग्ध लड़का हनुमाना थाना क्षेत्र के मोटावा पहाड़ी में संदिग्ध अवस्था में घूमत रहे। जब पुलिस का पता चला तब पुलिस घेराबंदी कई के दोनों लड़का का दबोच ली और तलाशी के दौरान लड़कन के लगे से दुई कट्टा और खाली कारतूस बरामद भय। पकड़े गए लड़कन के नाम बादल कुमार कोल, पिता उमेश कोल, वार्ड क्रमांक 15 नई गढ़ी के, और विक्रम कोल, पिता राजेश कुमार कोल, हरदी खुर्द के रहने वाले आही। पुलिस के द्वारा बतावा गया कि दोनों लड़का कौनो बड़ी वारदात के फिराक में कट्टा लेके घूमत रहे। आरोपी के खिलाफ 25 आर्म्स एक्ट के धारा के तहत कार्यवाही की जाई। पूछताछ में पुलिस का बड़े खुलासन के संभावना ही। सिरमौर चौराहा से विश्वविद्यालय के बीच जर्जर हो रही सड़क का लेके NSUI के कार्यकर्तन के द्वारा आक्रोश व्यक्त कीनगा और लाल कलर से पेंट कई के लिखे रहे कि यह सड़क अमेरिका के सड़क से नीक ही। पदाधिकारी मुख्यमंत्री और रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला के ऊपर निशाना साधी और कहीं के आम जनता का मरे के खातिर छोड़ दीनगा है। पोस्टर बैनर में प्रचार के माध्यम से रीवा का विकास दिखावा जात लागे, लेकिन हकीकत का ही हम अपना पंचन का दिखाई थे। आई अपना पंचन का दिखाई थे कि कौन में विरोध प्रदर्शन करें और का कहें। आज हम लोग मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी कहते हैं कि मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका से बेहतर है, तो वही हम उनको दिखा रहे हैं कि ये देखिए कितनी बेहतर सड़कें हैं। हम लोगों ने लाल कलर के पेंट से लिखा है कि मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका से बेहतर, और क्वेश्चन मार करके शिवराज सिंह जी से पूछा है कि क्या यही बेहतर सड़कें हैं अमेरिका से मध्य प्रदेश की। और रीवा के पूर्व मंत्री विधायक राजेंद्र शुक्ला जी जो मॉडल सड़क की बातें करते हैं, मॉडल सड़कों से जिले में बताते कि हमने मॉडल सड़कें बताई हैं, उनसे भी हम पूछें कि आपकी यही विकास है, यही मॉडल सड़कें हैं। जिस कॉलेज में आपने पढ़ाई की, इंजीनियरिंग कॉलेज से, उसके सामने की ये रोड की दशा है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे दुर्घटना को आमंत्रण दे रहे हैं कि कोई भी आए, इससे एक्सीडेंट हो और वह मर जाए। इस तरह की इसमें नज़र नहीं पड़ रही है पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी की। बड़े बड़े बैनरों में, पोस्टरों में अपना विकास दिखाते हैं, पर ओरिजिनल में उनका विकास ये है जो हम लोग दिखा रहे हैं। देख लीजिए, रोड से मेन रोड में इस तरह की रोड धसी हुई है, ये है राजेंद्र शुक्ला जी का विकास। रीवा में और भी जगह है ऐसी रोड बन जी, पूरी जगह है, क्योंकि चुनाव आ रहा है तो राजेंद्र शुक्ला जी बड़े बड़े वादे, जो झूठे वादे करते आए हैं और जो विकास दिखाते आए हैं, तो हम लोग हर गली हर मोहल्ले में जहाँ इस तरह की है वहाँ हम लोग जाएंगे और उनका विकास दिखाएंगे जनता को, कि जनता आप देख लीजिए आप किस तरह राजेंद्र शुक्ला जी का विकास है। भ्रष्टाचार हो रहा है, पूरा भ्रष्टाचार है, ये पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार है। अब इसमें अब पता नहीं मोटी रकम राजेंद्र शुक्ला जी को दी गई है कि शिवराज सिंह जी को दी गई है, जो अभी भी नींद में सोए हुए हैं। इस इतनी गहरी, करीब 4-5 फीट गहरी रोड है, उसके बाद भी उनको नज़र नहीं आ रही है, दिखाई नहीं दे रही है। NSUI जिला उपाध्यक्ष रवि सुमित सिंह। सहारा इंडिया के सैकड़न कार्यकर्ता और जमाकर्ताओं के द्वारा अब मागन कल्लई के मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर का ज्ञापन सौंपिन। ज्ञापन सौंपे वाले लोगन के द्वारा बतावा गया कि सहारा इंडिया द्वारा संचालित सगली स्कीमन में जमा राशि लगभग 750 करोड़ ही, जेखे लगभग कार्यकर्ता और जमाकर्ताओं के संख्या 1,20,000 ही। 2018 से आज तक सहारा इंडिया से कौनो भुगतान नहीं कीनगा। जब लोगन से बात भय तो लोग बताएं कि सहारा में पैसा अपने काम के खातिर जमा करे रहन, लेकिन जमा करते अपने पैसा के खातिर एकई से उकई घूमे पड़त लाग है। आई अपना पंचन का सुनाई कि कार्यकर्ता का कहें। हम लोगों की, सभी जमाकर्ताओं की ये मांग है कि हम सबका सहारा इंडिया में पैसा जमा है और गत कई वर्षों से भुगतान हम लोगों का नहीं मिल रहा है, और हम आज कलेक्टर के माध्यम से ये ज्ञापन देना चाहते हैं, देने जा रहे हैं कि हम सब गरीबों का, हम सब जमाकर्ताओं का, हम सब कार्यकर्ताओं का अतिशीघ्र भुगतान कराया जाए, अन्यथा हम लोग कड़े कदम की ओर अग्रसर होंगे। कितना पैसा फंसा है आपका? हम लोगों का पैसा है कि बहुत से जमाकर्ताओं का पैसा है, लगभग 10
साढ़े सात सौ करोड़ 10,000 करोड़ के लगभग अपना पैसा फंसा है यहाँ रीवा का। हम लोग सभी जमा करता है, पहले भी आप लोगों ने ज्ञापन दिया था। हम लोगों ने इसके पहले पिछले महीने भी कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन दिया था, लेकिन कलेक्टर महोदय की उदासीनता की वजह से अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। हमारे जो यहाँ अधिकारी बैठते उन्होंने ये कहा था कि हम संज्ञान लेंगे, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई संज्ञान नहीं लिया गया। अब हम लोग एकदम आक्रोश में आ करके ऐसा आंदोलन करने जा रहे हैं, यही ज्ञापन हम कलेक्टर महोदय जी को आज देने जा रहे हैं कि हम सब जमाकर्ताओं का भुगतान जिस तरह से संभव हो सके दिलाने का कष्ट करें, नहीं तो हम यहाँ भूख हड़ताल पर आने वाले समय में बैठेंगे और अपना आत्मदाह करेंगे। कौन सी कंपनी है ये? ये सहारा इंडिया परिवार है। नाम बता दीजिए। हमारा नाम रावेन द्विवेदी है। आपको कितना पैसा फंसा है? हमारा 270,000 रुपए फंसा है। कब से? ये 2016 में था फंसा है। हमारे पति एक्सपायर हो गए, हमने यहाँ जमा किया, सभी कोई जमा किए, और अगले बार हम नवंबर में भी यहाँ आए थे, तो वही है कि अब शासन दे देते हैं कि हम आएंगे अगले महीना 5 आदमी आएंगे, फिर कुछ होते ही नहीं है। जितना जमा करता कार करता सब कोई परेशान है, कहते अच्छे दिन आएंगे, यही अच्छे दिन आ रहे हैं। अगर कोई अपराध कर दे तो 24 घंटा नहीं होता है, हमारे मुख्यमंत्री हमारे कलेक्टर साहब तुरंत आ जाते हैं। अगर हम ही गलत कर दे तो तब के लिए समय हो जाता है। हमारा 270,000 रुपये फंसा है। हमारे पति नहीं है, एक्सपायर हो गए, 2 बच्चे हैं, इसे उन्हीं के भरण पोषण के लिए भी अब नहीं हो रहा है। क्या एजेंट है आप? नहीं, हम जमा करता है। यहाँ कलेक्ट्रेट में आए हैं। क्या नाम है आपका? सुनीता सोनी। विवेकानंद जयंती का युवा दिवस के रूप में मनावागा। जयंती में सरस्वती शिशु मंदिर में कार्यक्रम के आयोजन भाग, जहां मुख्य अतिथि नगर पुलिस अधीक्षक शिवाली चतुर्वेदी रही, जिनका तिलक लगाए के विद्यालय के विद्यार्थियों के द्वारा स्वागत कीनगा। अपने उद्बोधन में CSP कहीं के उन्हों सरस्वती विद्यालय के छात्रा रही हैं। आई अपना पंचन का सुनाई थे इनके नगर पुलिस अधीक्षक का कहीं। इसी क्रम में दिनेश प्रतियोगिता के 3 प्रतिभागी बहन अंजलि पांडे, भैया पार्थ द्विवेदी ये भी 6th से है, और बहन राशि मिश्रा 8th से, आप तीनों जने और दिनेश जो स्पीच थी उस पर अपना पुरस्कार ग्रहण करें। और खुशी हो रही है कि आज चूंकि युवा दिवस है और स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को हम युवा दिवस के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसी क्रम में मैं देख रही हूँ कि आज आने वाले जो भविष्य की हमारी पीढ़ी है उसके समक्ष मुझे बोलने का अवसर मिला है। आप ही हमारे देश के कल के आने वाले भविष्य हैं। मैं सबसे इतना ही कहना चाहूंगी कि आप सभी लोग अच्छे संस्कार लें, स्कूल जो कि ये महाविद्यालय विद्यालय है सरस्वती शिशु मंदिर बहुत ही अच्छा संस्कार देता है। मैंने भी 5th से और 8th तक सरस्वती शिशु मंदिर में ही शिक्षा ग्रहण की है, तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग भी आगे अपने जीवन में अच्छा काम करें, अच्छे संस्कार लें और अपने जीवन में सफलता अर्जित करें। धन्यवाद। नए साल में पहल बे मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना पत्रकारन से बात करी और महंगाई बेरोजगारी भ्रष्टाचार में केंद्र और प्रदेश सरकार में जम के निशाना साधिन। श्री बन्ना कहिन कांग्रेस 50 साल सत्ता में रही तब 50 रुपया लीटर डीजल और पेट्रोल रहा, लेकिन बीजेपी के 8 साल में 100 रुपया से ऊपर डीजल पेट्रोल की कीमत हुई है। महंगाई और बेरोजगारी के बावजूद केंद्र और भाजपा के सरकार के सवाल में पूर्व विधायक कहिन के पहले कांग्रेस के लहर रही, फिर भाजपा और बसपा के हो गए और अब फिर से कांग्रेस के लहर ही, और अब आवे वाले चुनाव में कांग्रेस केंद्र और प्रदेश में सरकार बनाई। आई अपना पंचिंग का सुनाई थे कि मऊगंज के पूर्व विधायक कांग्रेस नेता सुखेंद्र सिंह बन्ना भाजपा में निशाना साधत और का कहे। 2018 में मिला, उन्होंने मुझको आश्वस्त किया था कि हम आपको पानी, इसलिए कि मध्य प्रदेश सरकार के जो वरिष्ठ अधिकारी थे उन्होंने मुझसे कहा कि आप मुख्यमंत्री योगी जी से मिल लीजिए, अगर वो अनुमति दे देंगे तो हम आपको पानी दे देंगे, हम आपके लिफ्ट इरिगेशन बना देंगे।
मैं उनसे गया मिला, उन्होंने मुझे पूरी तरह से आश्वस्त किया था कि हम आपको पानी दे देंगे, लेकिन समय कम था मेरे पास, जिसके कारण वो बात अधूरी रह गई। अब समस्या ये है कि उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश दोनों भारतीय जनता पार्टी सरकार, उनकी अनुमति चाहिए थी और इनको देना था। 5 सालों में कुछ हुआ उसमें कि यथावत है? हमने बताया ना कि ना आगे गया ना पीछे गया, यथावत हो रखा हो हर चीजें, सिर्फ हम आंदोलन न करें प्रदर्शन न करें इसके लिए जरूर बता दिया जाता है कि ये सब सारी चीजें नहीं। तो जिला ना सही, जिला बनाने की बात करने की पहला चुप ही नहीं रहा जा सकता, बोलना तो पड़ेगा आपको। फरवरी लास्ट जनवरी नहीं, आंदोलन तो जिला के लिए भी, ऐसा थोड़ी है कि जिला हमने छोड़ दिया है। हम तो एक आंदोलन करेंगे तो सरकार फिर ये कहती है कि उनको आना, वही बात कह रहे हैं कि विपक्ष के विधायक जो है तो आंदोलन कर दे इसलिए रुक जाता है। हम चाहते हैं जिला बने, मऊगंज का भला हो, उजड़े नहीं मऊगंज जिस तरह से उजाड़ा गया। रहने दीजिए, कैलाशपुर के लिए तो करिए। बिल्कुल कैलाशपुर के लिए करेंगे, और किया है कोई पहली बार तो अभी बताए ना, अब उसकी बारी आई गई है। आप लोगों के बुलाने का मतलब हमारा यही है कि हम अपने मुद्दे को मैं पहले भी करता रहा हूं, आगे भी करूंगा, कैलाशपुर लिफ्ट इरिगेशन के लिए करूंगा, आपके जिले के लिए करूंगा, सारी चीजों की लड़ाई लड़ूंगा। लेकिन अब पूरी तरह से सरकार संलिप्त है, यही तो बात हमने कहा कि जब राहुल गांधी जी में जब उनकी बात सदन में नहीं सुनाई गई तभी तो वो पदयात्रा करने निकले, जब मीडिया ने भी सपोर्ट करना बंद कर दिया, जब सारी चीजें मतलब एक तरीके से दिखाना बंद कर दिए, सिर्फ सरकार के पक्ष में सारी चीजें होने लगी तभी तो ये पदयात्रा चालू हुई। पदयात्रा क्यों, मैंने पहले बताया। खबर आवत लागी रीवा जिला से, जहां शहर में एक ठिल्लड़ी का बहिगा अपना पंचन का बताए दे कि मामला चौराहटा थाना क्षेत्र के चौराहटा के है, जहां बीच बस्ती से निकली नहर में शेष मड़ी कोल निवासी रंगोली के डूबे के खबर पुलिस का दीन गए। घटना के जानकारी मिलते पुलिस गोताखोरन के मदद से तलाश शुरू कर दी। अपना पंचन का बताए दे कि लड़का अपने रिश्तेदारी में चुरहट आवा रहा, जहां लड़का नहर में पानी लेत समय गहरे पानी में बहिगा। ये कब की घटना भैया? ये सर सुबह 6:30 बजे की बात है। डेली आता था जी, जी कॉम्प्लेक्स में जाता था जी, और आज पता नहीं कैसे उसकी दिमाग सर। हाँ हाँ, 100 नंबर अभी आई है, मतलब 1 घंटे बाद। अभी अब कोई याद नहीं। कौन नाम था लड़का? लड़के का नाम आदर्श कोहल। उम्र कितनी थी? उम्र 12 साल। आज खातिर इतने बघेली में, बिंद के समाचार देखे खातिर बने रही विराट के साथ। नमस्कार।